हैदराबाद में एक नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। 5 नाबालिगों ने मर्सिडीज में लड़की के साथ गैंग रेप किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों में एक विधायक का बेटा है। हालांकि पुलिस इस गैंग रेप में उसके शामिल होने की अभी पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस ने कहा कि आरोपी 11वीं से 12वीं के छात्र हैं और सभी का बैकग्राउंड सियासी रसूख वाला है। घाटी में लगातार हो रही हत्याओं के बाद कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर जाने लगे। पीएम पैकेज से मिले अनंतनाग के मट्टन स्थित पंडित कॉलोनी में सन्नाटा पसरा है। कश्मीरी पंडित रंजन ज्योतिषी ने बताया कि अनंतनाग स्थित मट्टन की कश्मीरी पंडित कॉलोनी से 90% लोग जा चुके हैं। लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है, जिसके बाद रात में ही वे पलायन कर गए। साल 2014 में प्रोडक्शन बंद होने के बाद अब एक बार फिर एम्बेसडर मार्केट में आ रही है। फ्रेंच कंपनी पुजो और हिंदुस्तान मोटर्स मिलकर साल 2024 तक एम्बेसडर का इलेक्ट्रिक वर्जन ला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे टारगेट किलिंग पर गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोवाल, रॉ चीफ आर्मी चीफ, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह और एसएसबी के प्रमुख शामिल हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी कोरोना वायरस संक्रमण का शिकार हो गई हैं। हाल ही में वो उत्तर प्रदेश में आयोजित नव संकल्प शिविर में शामिल हुई थी। फिलहाल उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। अब उनके वायरस से संक्रमित होने के चलते चिंताएं बढ़ गई हैं और मीटिंग में शामिल अन्य नेताओं के भी संक्रमित होने का डर है। गुरुवार को ही अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी कोविड-19 होने की बात सामने आई थी। विशाखापट्टनम SEZ में अमोनियम गैस रिसाव की घटना हुई है। यहां फोरस नाम की कंपनी से गैस लीक होने से कंपनी में काम करने वाली महिलाओं को चक्कर और उल्टियां आने लगी। दर्जनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत व बचाव कार्य के लिए स्थानीय प्रशासन की टीम घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। कानपुर के बेकनगंज इलाके में शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे बवाल हो गया। करीब 1000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। दोनों तरफ से पथराव और बमबाजी हुई। कानपुर का ये इलाका मिश्रित आबादी वाला है। कई लोग पथराव में चोटिल हो गए, उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस युद्ध में यूक्रेन की सड़कों पर खून की नदियां बहने लगी हैं। इसे सदी का सबसे बड़ा ह्यूमन क्राइसिस माना जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अनुसार इस युद्ध में करीब 68 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया। वहीं 80 लाख लोग देश के अंदर ही अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। यही नहीं, इस युद्ध में कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी की फिल्म शेर दिल द पीलीभीत सागा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म की कहानी जंगल के किनारे बसे एक गांव के लोगों की है, जिन्हें हर दिन कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस फिल्म में पंकज के साथ साथ सयानी गुप्ता भी हैं। वहीं फिल्म को नेशनल अवार्ड विनर श्रीजीत मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 24 जून को रिलीज हो रही है। टीम इंडिया का आने वाले 12 महीनों में काफी व्यस्त कैलेंडर है। रोहित एंड कंपनी को अगले एक साल में करीब 60 मैच खेलने हैं, जिसमें 32 यानी 53% मैच T20 है। भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेट 9 जून से शुरू हो जाएगा, जब टीम को दक्षिण अफ्रीका के साथ 5 T20 मैच की सीरीज खेलनी है। इसमें दूसरी पंक्ति की भारतीय टीम हिस्सा लेगी। संभवतः वही टीम आयरलैंड के खिलाफ भी 2 मैच की T20 सीरीज खेलेगी। टीम के एक टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड जाएगी। वहां टीम 3 वनडे और 3 T20 मैच भी खेलेगी।